अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर सुबह शाम आप जो है अशुभ बातें करते हैं तो वो बातें सच हो जाती हैं, क्या ऐसा है? प्रवीण जी, जब सुबह का समय होता है, सूर्योदय का समय होता है और सूर्यास्त का समय होता है, उस समय ईश्वर की विशेष एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती रहती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने प्रातःकाल और संध्याकाल प्रार्थना के नियम बनाए। लेकिन अगर आप सूर्योदय के समय, प्रातःकाल या सूर्यास्त के समय उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे, किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, तो वो घटनाएं सत्य हो जाएंगी और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे तो आदमी की वाणी पे नियंत्रण नहीं है, दिन में जाने कितनी बार गलत बातें बोलता है, लेकिन कम से कम इतना ध्यान जरूर रखिए कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भूल कर भी आप उल्टी सीधी बातें, अपशब्द, किसी के बारे में बुरा, किसी को शाप देना, किसी को कोसना, ये सब काम मत करिएगा, वरना जीवन में अशुभता पैदा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को कैसे तेज कर सकते हैं, प्रखर कर सकते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी रोग की वजह से, बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, एक तो मानसिक बीमारी है, अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, तो आपकी याददाश्त और बुद्धि कमज़ोर हो सकती है। दूसरा, आजकल एक बीमारी आ गई है अल्जाइमर, बहुत तेज़ी से वो याददाश्त लोगों की कमज़ोर कर देती है। लोग शरीर से, बाकी चीज़ों से ठीक रहते हैं लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। अगर किसी रोग की वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुई है, 50% बाकी है, कुछ कमज़ोर हुआ है, क्या करें? महीने की दो एकादशियां आती हैं, दोनों एकादशियों का उपवास जरूर रखिए, और जब आप एकादशी का उपवास रखेंगे तो जल और फल का सेवन करेंगे। सुबह के समय खाली पेट एक सेब अपने दांतों से काट करके जरूर खाइए। रात को सोते समय पलंग पे लेट जाइए, हम ये नहीं कह रहे कि बैठ के मंत्र पढ़िए, बैठ के पढ़ें तो बहुत अच्छा है, वरना लेट करके ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। और याद रखिए, जब भी आपको नींद आए, नींद में कटौती मत करिए, जब भी नींद आ जाए तुरंत सो जाइए। अगर आप ऐसा करें, इन बातों का ध्यान रखें, तो रोग का बुरा प्रभाव आपकी याददाश्त पर नहीं पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, कौन से उपाय इसमें आपकी मदद करेंगे। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि याददाश्त रहती है फिर चली जाती है, अभी मिले थे, याद था, अच्छे से बात हुई, थोड़ी देर बाद पूछते हैं तुम कौन हो, है? तो इस तरह की जो स्थिति बनती है कि याददाश्त आती है और चली जाती है, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? प्रवीण जी, वैसे तो ये भी एक रोग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त आती जाती रहती है, क्योंकि जो मेंटल कनेक्ट है वो जुड़ता और छूटता रहता है। अगर आपकी याददाश्त कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो सैटर्न इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, पक्का जानिए, बुध तो होगा ही लेकिन शनि भी इन्वॉल्व जरूर होगा। एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दीजिए, अगर संभव हो तो शहद में डाल करके रख दीजिए, और रोज सुबह ब्रश करने के बाद दो बादाम चबा चबा कर खाइए। इसके बाद गुनगुना दूध, बहुत हल्का सा ल्यूक वार्म जो दूध है, ये आप पी लीजिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो याददाश्त का जो आना जाना है, ये जो श्रृंखला है, ये नहीं रहेगी, आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।